सो हेलो SOSE लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कुणाल सर ने स्टार्ट कर दी है पढ़ानी रीजनिंग। आपको पता है मैं मैथ्स और साइंस भी पढ़ाता हूँ आपको। पिछले जो बच्चे हैं 2024-25 के, उन बच्चों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी करी है और कई सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो प्लीज़ यहाँ ध्यान से देखना, पिछले साल मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ाई थी, रीजनिंग भी आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही खतरनाक तरीके से। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको रीजनिंग पढ़ने में, और ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप सवाल को मात्र देखते ही उड़ा देंगे। कैसे उड़ा दोगे? देखते ही सवाल को बिल्कुल साफ कर दोगे एकदम, कि हाँ जी आंसर एकदम सटीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, एंड तक इस सेशन को देखना है, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। देखो रीजनिंग का मतलब सबसे पहले मैं बच्चों को बता दूं, रीजनिंग कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, है ना। रीजनिंग का मतलब होता है तर्कशास्त्र। यहां पर हमें तर्क देना होता है, मतलब कि यहां बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है हमें, ठीक है। रीजनिंग देखो, हम अपनी जो भी ये 11th और 9th दोनों के लिए है, हम अपनी पिछली क्लासेस में, हमारे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है रीजनिंग जैसा, है क्या आपके पास? जिसके पास है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। भाई रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो बच्चों के लिए एक चैलेंज बन जाता है कि भाई साहब रीजनिंग करें तो करें कैसे, मेंटल एबिलिटी करें तो करें कैसे, किस तरीके से होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके 10/10 मार्क्स आने वाले हैं SOSE के एग्जाम में, चाहे वो 11th का हो या 9th का हो, स्टेम का हो, AFPS का हो, हाई एंड 21 सेंचुरी की हो, PVA का हो, या तो फिर ह्यूमैनिटीज का हो, कोई सा भी डोमेन हो, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, मात्र सेशंस को अच्छे से देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आपको वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 1, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। देखिए क्यूब्स एंड डाइस के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्यूब्स एंड डाइस, सबसे पहले हम एक इमेजिन करते हैं कि भाई क्यूब और डाइस आखिरकार होते क्या हैं। इन अ वे भाई साहब, क्यूब और डाइस के बारे में आप क्या सोचते हो? भाई जब आपने कभी लूडो खेला है, आपने लूडो तो खेला ही होगा ना, जो आपका इंडिविजुअली लूडो होता है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके, हाँ भाई 6 रन आ गए मेरे, है ना। तो ये वाला डाइस आपने देखा होगा, और क्यूब तो आपको पता ही होगा, जैसे हम मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं क्यूब के बारे में, है ना, कि क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2, ठीक है, 8 क्यूब हो जाता है 2 का, तो इस तरीके का होता है क्यूब। लेकिन हम शेप्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए भाई, मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भाई तो क्यूब और डाइस मैंने यहाँ रखा है, जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन क्यूब एंड डाइस, क्यूब और डाइस के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, जल्दी से बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, क्यूब जो होता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसके सारे फेसेस बराबर होते हैं, उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। क्या बोला मैं आपसे, सारे फेसेस बराबर होते हैं इसके, ठीक है, और इसकी सारी की सारी साइड से बराबर होती हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन डाइस क्या होता है बेटा, ये आपका क्यूबॉइडल भी हो सकता है। क्या बोला मैं आपसे, इस तरीके से कुछ ये क्यूबॉइडल भी हो सकता है ना भाई। अच्छा, आपने कहाँ देखा है क्यूबॉइडल वाला डाइस? इस तरीके से आपका ये क्यूबॉइडल भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, ये क्यूब से क्यूबिकल शेप में भी हो सकता है। तो ये था डिफरेंस क्यूब एंड डाइस के बीच में, ठीक है। अब देखो क्यूबॉइडल आपने देखा है ना महाभारत में, शकुनी के पासे, है ना, वो कैसे होते हैं, वो क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ओपन डाइस भी आपको सिखाऊंगा, सारा का सारा सिखाऊंगा, पार्ट्स में बनेगी वीडियो, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसमें, जरा यहाँ ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले मैं आपसे कहूँ, देखो मैंने बोर्ड पर पहले ही इसलिए लिख दिया है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो लिखने में, और आपको आसानी भी रहे। चलिए देखो क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं भाई, 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब के या डाइस के। एक डाइस के क्या होते हैं बेटा, 6 फेसेस होते हैं, और 8 कॉर्नर्स होते हैं इसके, और 12 एजेस होते हैं। एज मतलब क्या होती है बेटा, किनारियाँ, ठीक है। इसकी 12 कितनी होती है, किनारियाँ होती हैं 12, और 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। देखो जो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे पढ़ लोगे ना, तो ये आपके लिए आसान पे आसान होता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चंस जो बनेंगे ना इससे रिलेटेड, काफ़ी सारे बन सकते हैं, ABCD भी बन सकते हैं, कुछ कलर्स भी हो जाएंगे, जैसे कि 2 सरफेसेस को कलर कर दिया है, इसका ऑपोजिट क्या होगा,
इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। पहले हमें कंसेप्ट पक्का करना है, अपना बेस पक्का करना है, ठीक है बेटा? तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ बैठे रहो मेरे साथ, कॉपी पेन लेकर के अपनी एक अलग से नोटबुक बना लेना और नोट्स भी बनाते चलना। देखिए बेटा, स्टैंडर्डाइज देखो, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, जो डाइस के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? दो टाइप होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक होता है जनरल डाइस। अब देखो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, इन अ वे स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, इसमें लिखा है द सम ऑफ ऑपोजिट टू फेसेस इज 7। मतलब कि जो ऑपोजिट दो फेसेस होंगे ना, उनका सम क्या होगा? 7 होगा। मतलब कि देखो कैसे, मान लीजिए मैंने एक डाइस बनाया है ना, और एक और बात बता दूं आपको कि जो डाइस होता है ना, उसके हमें तीन फेसेस दिखाई देते हैं। कितने फेसेस दिखाई देते हैं? बाकी तीन दिखाई नहीं देते हमें, ठीक है? बाकी तीन फेसेस हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि भाई अगर आप डाइस को देखोगे उसके तीन नंबर ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है? आप एक इंडिविजुअली डाइस को देख सकते हैं उठा करके। अब देखिए यहाँ पर तीन फेसेस हमेशा ही आपको दिखाई देंगे, ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ ऑपोजिट टू फेसेस इज 7। मतलब कि अब देखो यहाँ पर मैं सिंपल सी भाषा में आपसे कहूँ, जो ऑपोजिट है हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या तो फिर जनरल डाइस है? देखो और क्या है, द सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज नॉट 7। अब देखो यहाँ पर इनकी एडजेसेंट साइड देखना जरा, एक और दो को एक और तीन को प्लस करोगे 4 आएगा, 7 तो नहीं आ रहा है ना। एक और दो को प्लस करोगे तो 3 आएगा, 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब इसकी एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है, इसकी एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ऑपोजिट का सम क्या हो जाएगा बेटा इसका? 7। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, सवाल बनेगा कि हमें बताओ भाई एक का ऑपोजिट क्या होगा, एक का ऑपोजिट क्या होगा, है ना? एक के ऑपोजिट देखो मैंने क्या बताया, ऑपोजिट जो इसके फेसेस होंगे, ऑपोजिट मतलब इसका जो ऑपोजिट फेस, मान लीजिए अगर एक यहां पर है तो यहां पर क्या होने वाला है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने क्या बताया था, ऑपोजिट का सम क्या होगा? 7 होगा। अगर यहां एक है तो यहां 6 होना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एक के आगे क्या हो जाएगा बेटा? 6। एक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6। अब देखो अगर मैं 2 का ऑपोजिट करूं, सम क्या बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए ना। 2 और 5, 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो मतलब कि देखो 5 और 2 7, 6 और 1 7, 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो इसका आंसर, 3 का ऑपोजिट क्या होने वाला है? 3 का ऑपोजिट हो जाएगा बेटा 4। देखो जो फेसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे थे वो फेसेस यहां पर मैं निकाल के लेके आ चुका हूं, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा है ये। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में एक बार और सुन लो, कान खोल कर सुन लो, बिल्कुल ही मजे से सुनना है आपको। स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट का सम क्या होता है बेटा? 7 होता है, ठीक है? 7 होता है। अब देखो आपको जनरल डाइस में आपको बताता हूं, देखो सम ऑफ ऑपोजिट साइड इज नॉट 7, लेकिन एडजेसेंट साइड का सम क्या होगा बेटा? 7 होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक और बनाया है, यहां पर डाइस ये मैंने बना दिया, एक और डाइस इस तरीके से बना रहा हूं, इसके बस मैं कोने कोने बना रहा हूं। देखो यहां पर मैंने यहां लिख दिया 4 3 और यहां लिख दिया 2। अब देखो यहां पर क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है स्टैंडर्ड डाइस, ये जनरल डाइस है। क्या है ये? जनरल डाइस। जनरल डाइस क्यों है ये? क्योंकि इसके जो एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, उसका सम क्या आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। अब देखो इसका एडजेसेंट साइड क्या है? 7 आ रहा है। तो अब हमें कैसे पता चले कि भाई साहब ऑपोजिट साइड्स क्या क्या होंगी इसकी, है ना? अब मैं पूछूं आपसे कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 का ऑपोजिट क्या होगा? अब इसमें तुम ऑपोजिट का सम देखो, यहां पर क्या लिखा है, ऑपोजिट का सम 7 नहीं होता। तो यहां पर यह नहीं करना आपको कि 2 5 7, नहीं, गलत हो जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। जनरल डाइस में ऑपोजिट का सम 7 नहीं होता। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं भाइयों, जनरल डाइस में ऑपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होता, ठीक है? तो ध्यान रखना है आपको। देखो सबसे पहले पहचानना है जनरल डाइस है या तो फिर आपका कौन सा वाला डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है? चलो भाई अब जनरल डाइस में ऑपोजिट कैसे पता लगाएं? देखो इसमें कैसे पता लगेगा, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 के ऑपोजिट क्या होने वाला है, ये जो 2 है इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है? देखो आपको पता है ये तो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड तो बराबर वाली साइड होती है,
ना ही चार हो सकता ना ही तीन हो सकता। तो भाई साहब क्या क्या हो सकता है, इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है, एक हो सकता है, पांच हो सकता है, या तो फिर छह हो सकता है। भाई ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, एक पांच या छह हो सकता है, ठीक है। और अब मान लीजिए, अब मैं कहूं आपसे तीन के ऑपोजिट क्या हो सकता है, भाई तीन के ऑपोजिट ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, क्या हो सकता है, एक हो सकता है या तो फिर पांच हो सकता है इसके ऑपोजिट, या इसके ऑपोजिट छह हो सकता है। क्लियर बात है, कह सकते हैं नहीं हम, तो इसके भी साथ ऐसे ही होगा, जो चार के अगर ऑपोजिट कहा जाए तो क्या हो सकता है बेटा, एक हो सकता है या पांच हो सकता है या छह हो सकता है, इन तीनों में से मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि एक पांच और छह में से कोई सा भी हो सकता है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस। चलिए अब मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, एक सवाल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक यहां पर मैंने ये डाइस बनाया है, ठीक है, मैंने इस डाइस में लिखा है दो तीन और छह। अच्छा तो बताओ ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या तो फिर जनरल डाइस है। अगर ये, चलो अब देखो भाई यहां पर हम कैसे पता लगाएंगे इसका, सिंपली देखो यहां पर अगर मैं दो और छह को प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, आठ, है ना भाई। अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, पांच। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, नौ। तो यहां पर सिंपल सिंपल सी भाषा में कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है। और जब स्टैंडर्ड डाइस है तो दोनों का सम क्या होगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट फेसेस का सम क्या होगा बेटा, सेवन। तो जल्दी से बताओ मुझे तीन के ऑपोजिट क्या आने वाला है, भाई तीन के ऑपोजिट क्या आएगा, छह के ऑपोजिट क्या आएगा और दो के ऑपोजिट क्या क्या आने वाला है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा, सेशन को लाइक करते हुए चलना। अब देखिए यहां पर तीन के ऑपोजिट क्या, तीन चार क्या हो जाता है बेटा, सात, आ गया समझ में। छह के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, हमारा एक हो जाएगा। दो के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए, फाइव हो जाएगा। क्लियर बात है ना, क्लियर बात है ना। देखो एक दो तीन चार पांच छह सारे के सारे ही आ गए ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है यार, कुणाल सर पढ़ा रहे हैं आपको रीजनिंग, है ना। चलो भाई इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब इसकी हम केस स्टडी पढ़ते हैं, किस किस टाइप के सवाल आएंगे इसमें। तो आइए स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, इन सवालों को मैं नहीं करूंगा, इन सवालों को आप ही उड़ाओगे, देखते ही कर दोगे सॉल्व, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस से ही रिलेटेड है। तो देखिए कैसे है, सबसे पहले सवाल में क्या लिखा है, अ डाइस पोजीशन इज शोन बिलो व्हेन द नंबर वन इज अबव व्हिच नंबर विल बी बिलो। यहां पर क्या बोला है, अगर एक के, सिंपल सी भाषा में इतना क्यों समझना, एक के ऑपोजिट क्या होने वाला है, ये आपको यहां पर डाइस दे रखा है, इसमें बोला है कि एक के ऑपोजिट क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डाइस का पता लगाना है स्टैंडर्ड है या जनरल है। भाई देखो इसके जो एडजेसेंट सन एडजेसेंट फेसेस है, इनका सम सात तो नहीं है, नहीं है, तो ये कौन सा वाला हो गया हमारा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या था, ऑपोजिट का सम क्या होता है बेटा, हमारा होता है सात, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक का जो ऑपोजिट होने वाला है वो क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, छह और एक सात होता है ना। दो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पांच। तीन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, तीन का ऑपोजिट हो जाएगा आपका चार, ठीक है। यहां पर सवाल आपसे कहीं से भी बना सकता है, एक का ऑपोजिट पूछा है तो आंसर इज डी, समझ में आया आपको, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। दो का पूछा हो तो आप इस तरीके से बताएंगे, तीन का पूछा हो तो इस तरीके से बताएंगे। फटाफट मुझे दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखा दीजिए जल्दी से, देखो क्या लिखा है। सिंपल हमसे यहां पर पूछा गया है कि दो के ऑपोजिट क्या होने वाला है। अब दो के ऑपोजिट क्या होगा भाइयों, देखो देखो यहां पर ये कौन सा है डाइस, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए डाइस है कौन सा। ये सिंपल आपको पता है एक जनरल डाइस है ये, ठीक है, है ना, जनरल डाइस है। तो आप देखो ये दो और पांच कितना होता है, सात होता है। अब यहां पर हम इसका आंसर कैसे लगाएंगे, मेरे को पता है किसका पूछा भाई, दो का ऑपोजिट पूछा है। अब देखो दो के ऑपोजिट क्या क्या हो सकता है, सिंपल सी भाषा में दो के ऑपोजिट देखा जाए तो एक हो सकता है, तीन हो सकता है और क्या हो सकता है, छह हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है ना, और चार के ऑपोजिट भी यही हो जाएंगे, एक तीन और छह हो जाएंगे,
पांच के ऑपोजिट भी एक, तीन और छह हो जाएंगे। जो कुछ बच्चे इनमें से आंसर पता है क्या लगाएंगे, कोई तीन लगा देगा, कोई पांच लगा देगा। ठीक है भाई, देखो दो तो हो ही नहीं सकते, चार और पांच तो हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी, है ना। अब देखो कोई बच्चा तीन लगा देगा, पांच लगा देगा, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर क्या मिलेगा, इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको करना है सवाल, तो ध्यान रखना है आपको जनरल डाइस के अंदर। अब देखो अगले सवाल में हमसे क्या बोला गया है, अ डाइस पोजीशन इज शोन बिलो, वही चार के ऑपोजिट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम अपने पासे का पता लगाएंगे, जनरल है या तो फिर स्टैंडर्ड है, चार और तीन सात, ये हमारा जनरल डाइस है। अब क्या होगा भाई, हमसे क्या पूछा है, चार के ऑपोजिट पूछा है। अब चार के ऑपोजिट कई बच्चे क्या करेंगे, चार और तीन, तीन पे लगा देंगे आंसर, क्योंकि भाई ये कई बच्चे सोच लेंगे स्टैंडर्ड डाइस है, नहीं भाई नहीं जनरल डाइस है। और देखो यहाँ पर ये जो एडजेसेंट है ना, इनका सम सात आ रहा, तो जनरल डाइस है। अब चार के ऑपोजिट क्या हो सकता भाई, तीन नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, तो चार के ऑपोजिट क्या होने वाला है, आपको पता है सिंपल सिंपल, चार के ऑपोजिट एक हो जाएगा, है ना, और दो तीन चार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, पांच हो जाएगा। ठीक है, और बेटा छह भी हो जाएगा, ये हो सकता है, होगा नहीं, ये हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं, ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप यहां पर कि इनमें से कोई भी हो सकते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हम बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे इसका, जो भी होगा आपका बेस्ट ऑप्शन। अब देखो यहां पर क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब देखो यहां पर ना ही तो दो है इसमें, ना ही इसमें तीन है, तो ये ऑप्शन तो पहले गए, बचे ये वाले दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में भाई पांच भी आ रहा है, देखो हम यहां पर एग्जैक्ट पता नहीं लगा रहे, ठीक है, इसमें एग्जैक्ट पता नहीं लगाया है, इस वाले में भी एग्जैक्ट पता नहीं लगाया, ये तीन हो सकते हैं। क्या बोला, ये तीन हो सकते हैं, यहां पर तीन हो सकते हैं, ठीक है, देखो यहां पर एग्जैक्ट तीन तो नहीं है ना, तीन हो सकते हैं, ये तीन है ना, ये एक हो सकता है, तीन हो सकता है, छह, हमें पता नहीं है, क्योंकि भाई हमें क्या पता इसके पीछे क्या होगा, है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो सिंपल यहां पर पांच और छह, तो बेस्ट ऑप्शन को ही टिक करेंगे इस तरीके से, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा इसको। अब हम पढ़ते हैं अपने केसेस को, जो आने वाले केसेस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असली जो क्लास है तो यहां से शुरू होती है, अब देखना कितना मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैं ये दो केसेस आपको बताने वाला हूं, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, है ना, बाकी जो आगे के कंसेप्ट है मैं वो भी समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आ गया ना, अगर ये आ गया, और इससे सवाल अभी पिछले 24-25 वाले में पूछा गया था, 24-25 स्टैम और एफएस में इसी बेस पर सवाल पूछे गए थे, तो ध्यान से जरा देखना इसको, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है केसेस। देखो when one position of dice is given, अभी मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ कि one position में क्या करते हैं, या तो standard dice देख सकते हैं या तो फिर general dice देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं case two की, when two positions of dice are given, जब दो positions दी हो, अब position दो कैसी होनी चाहिए, देखो when one face is same, जब एक ही face same हो, और दूसरे में क्या बोला है, when two faces are same, जब दो faces same दिए हो, तब इस केस में हमें क्या करना चाहिए। चलिए देखो यहां पर क्या है, देखो क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा, यहां देखना टू डाइस इज पोजिशन, वही वाली बात है हमारी, इसमें सिंपल क्या बोला हमसे, टू के ऑपोजिट आखिरकार क्या होने वाला है। अब यहां पर देखो ये जो डाइस बने हुए हैं ना, ये एक ही मतलब एक ही डाइस के दो फेसेस दिए हुए हैं, एक ही डाइस के दो फेसेस दिए हुए हैं, ठीक है, तो अब यहां पर किस तरीके से करेंगे हम, अब जरा देखना यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या बोला है, जब सेम फेस दिए हो, अब देखो इसमें सेम फेसेस कौन कौन से हैं, एक तो ये चार हो जाएगा और एक यहां पर चार हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, दो के ऑपोजिट आखिरकार क्या होगा, दो के ऑपोजिट क्या होने वाला है, जब आपको ऐसे एक ही नंबर सेम दिए हो तो आपको क्या करना है, मात्र जो नंबर दिया है वहां से आप क्लॉकवाइज चलो, कैसे बेटा, क्लॉकवाइज चलो, या तो फिर आप चल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज अगर मैं यहां से चलता हूं, आपको पता है, देखो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यहां पर देखो क्लॉकवाइज चलोगे तो यहां पर देखो इसके क्लॉकवाइज में यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, यहां देखिए इसके क्लॉकवाइज में यहां पर दो आ रहा है, ये दो है ना, दो के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा, दो के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर मैं लिख देता हूं
दो के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही छह के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, छह के ऑपोजिट हो जाएगा बेटा कितना, पांच हो जाएगा। और चार के ऑपोजिट बेटा क्या हो जाएगा, बच्चे कई जा रहे तो यहां लिख देंगे चार, नहीं बेटा गलत हो जाएगा। अरे एक के जो चार है, मतलब ये मानो यहां पर चार है तो इसके ऑपोजिट चार कैसे हो सकता है, नहीं। अब देखो इसमें से बचा हुआ कौन सा है, इसमें से देखो एक आ गया, दो आ गया, तीन नहीं है ना इसमें, तो तीन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर आप झट से बता सकते हो, सिंपली क्या पूछा है, दो के ऑपोजिट क्या होने वाला है बेटा, एक। वेयर इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको, जब एक फेस सेम दिया हो तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे तो देखो पांच के ऑपोजिट छह आने वाला है ना, और एक के ऑपोजिट दो आने वाला है, और चार के ऑपोजिट तीन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ चार मत लिख देना, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी। चलिए अब देखो, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ टू। अब इसके अंदर मुझे जल्दी से ऑपोजिट ऑफ टू बता दो, है ना। देखो सिंपल, आप क्या देखोगे यहाँ पर, चार यहाँ पर भी कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है। अब आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलो भाई क्लॉकवाइज चल लेते हैं, थोड़ा सा किस तरीके से होगा देखिए। यहां पर अगर मैं यहां पर क्लॉकवाइज चलता हूं और यहां से भी मैं क्लॉकवाइज ही चलता हूं तो यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को, सिंपल सिंपल सी भाषा में मेरे को क्या मिलेगा बेटा, आप देखिएगा यहां पर, ये देखो मेरे को क्या मिला, ये जो हमारे पास यहां पर क्या है, एक है, एक के ऑपोजिट क्या होगा, देखो चार के बाद एक है, चार के बाद क्या आ जाएगा, पांच। तो एक के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, पांच हो जाएगा। छह के ऑपोजिट बेटा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। छह के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, दो हो जाएगा। और चार के ऑपोजिट यहां पर क्या रहेगा, हमारे पास तीन ही रहने वाला है, ठीक है। एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। अब किसके ऑपोजिट पूछा है, दो के ऑपोजिट, दो के ऑपोजिट क्या है बेटा, छह। सिक्स इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना बेटा। चलो अब आगे चलते हैं, इधर यहां पर क्या होने वाला है हमारे साथ, देखो इतना समझ में आ गया आपको। ये अगर आपको समझ में आया ना, लेक्चर को लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि जब आप लाइक कर दो ना, तकड़ा वाला मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई यार लाइक आ गए हैं। एज कंपैरिजन व्यूज आपको लाइक भी करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इधर वाले पर। अब देखो यहां पर क्या बोला है हमसे, व्हेन टू फेसेस आर सेम, जब दो फेसेस सेम दिए हों तब क्या करना चाहिए। अब देखो यहां पर चार और एक, सॉरी हाँ, छह एक चार, पांच एक छह, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फेसेस दो कौन से सेम है, एक तो हमारा छह सेम है और एक सेम है, यहाँ पर छह सेम है और एक सेम है, और जो बचा हुआ होता है ना बेटा वो उसका ऑपोजिट होता है। क्या बोला मैं आपसे, जो बचा हुआ होता है वो उसका ऑपोजिट होता है, जो बचा हुआ होता है वो ऑपोजिट होता है। कैसे, चार के ऑपोजिट क्या होने वाला है, पांच। तो चार का ही तो पूछा है हमसे, तो यहाँ पर चार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पांच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पर, अब भाई रुक जाओ यार, मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, तो सर जी एक के ऑपोजिट क्या होगा और छह के ऑपोजिट क्या होगा। अरे तुम्हारे सर जी है ना यहाँ पे, तुम्हें सब बताएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पर मैं अगर एक के ऑपोजिट कहूँ आपसे, एक के ऑपोजिट एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं हमें, क्या क्या मिल सकता है देखो, जो यहाँ पर नहीं है वही हो सकते हैं ना। देखो एक है यहाँ पर, चार है यहाँ पर, पांच है, भाई क्या नहीं है यहाँ पर, तीन नहीं है और क्या नहीं है, दो नहीं है, है ना। देखो एक दो तीन चार पांच छह, मतलब तीन या दो हो सकते हैं, छह के ऑपोजिट भी तीन या दो हो सकते हैं। इसी बिहाफ पर मैंने इसीलिए आपके लिए यहां पर क्वेश्चन खुद बना के चुपचाप लिख दिया कि बच्चे मुझे पता है, सीखने से पहले क्वेश्चन पहले दिमाग में आ जाता है सबके। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख चुका हूं, कैसे, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ थ्री। अब थ्री के ऑपोजिट निकालिए फटाफट। देखो हमारे पास ये वाले कौन कौन से कॉमन है, एक और तीन है, यहां पर भी एक और तीन है। अब तीन का ऑपोजिट क्या होने वाला है। अब देखो भाई साहब यहां पर बच्चे है ना कंफ्यूज होने वाले हैं ऑप्शंस में। देखो सिंपल सिंपल, देखो एक के ऑपोजिट हमें क्या निकालना है, तीन का ऑपोजिट निकालना है ना, तो यहां तीन लिखो। अब तीन का ऑपोजिट क्या हो सकता है, देखो इसमें दो नहीं है ना, तो दो हो जाएगा और यहां पर छह हो जाएगा। यहां देखो कई बच्चे क्या करेंगे, फट से दो लगा देंगे, या तो वो लगा देंगे, छह तो है ही नहीं, दो लगा देंगे, दो भाई ये ऑप्शन तो होने से रहे, क्योंकि आपको पता है पांच और तीन तो है ही, है ना। अब यहां पर दो और इधर देखो, ये दो या छह हो सकता है, दो या छह, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, क्योंकि बेटा ये फ्री स्टडी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपसे कोई पैसे नहीं लेना इस चीज का। सिंपल, जब पेड बैच रखेंगे वो रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको फ्री पढ़ना है, और ये यूट्यूब पर हमेशा ही रहेगी आपके लिए, आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बस आपको इस फ्री स्टडी को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो सेशंस को। बाकी नेक्स्ट जो पार्ट होगा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और एडवांस सवाल के साथ भी होगा, क्वेश्चंस के साथ।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं। आगे चल करके बहुत कुछ नया होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।